जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर से न्यूज, स्वागत आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के न्यूज। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी की नई भर्ती को लेकर है जो आने वाली है 2025 में। अब मैं आपको बता दूं इस भर्ती का नाम रखा गया एसएससी जीडी 2025, जबकि ये वैकेंसी आने वाली है आपकी 2024 में। 2024 में कब आने वाली है तो मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के फॉर्म बताए जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 27 अगस्त, ठीक है, 27 अगस्त 2024 इसके फॉर्म भरे जाएंगे अगले 30 दिन तक, यानी सितंबर 27 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसका जो एग्जाम डेट है वो है जनवरी फरवरी 2025, इसीलिए इस भर्ती का नाम रखा गया 2025। इसके जो एग्जाम होंगे लाडो वो होंगे आपके जनवरी फरवरी में, जो जनवरी फरवरी का माह है इसमें एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम होंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है, कई बच्चों को मैंने देखा जो इस समय 10th पास किए हैं और जो 12th पास किए हैं, दोनों प्रकार के बच्चे। एक तो जितने भी बच्चे जो 10th पास किए, मैं आपको बता दूं आप एसएससीडी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके चाहे कितने भी प्रतिशत क्यों ना हो, प्रतिशत मैटर ही नहीं करता एसएससीजीडी में, भले ही आपके 40 से कम ही क्यों ना हो या 38% ही क्यों ना, ठीक है, आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की शर्त यह है कि आपकी जो एज है वो 18 साल कम से कम होनी चाहिए, 18 से 23 साल इसका एज क्राइटेरिया है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए इसमें 3 साल की छूट मिल जाती है लाड लो, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। अगर आप 12th पास है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपके भले कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट साइंस बायो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 100% आएगी, इसकी लिस्ट बहुत पहले जारी हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। कितने पदों पर वैकेंसी आएगी इसको लेकर संक्षेप में आपको बताऊं, एसएससी जीडी की छोटी से छोटी भी वैकेंसी 25,000 से ऊपर पदों पर आती है। कितने पदों पर? 25,000 से ऊपर। और इससे पिछली जो वैकेंसी थी वो 50,000 पदों पर थे, अभी जो चल रही है 25,000 पे, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि अगली वैकेंसी भी 50,000 से 60,000 पदों पर होने वाली है, या तो 50,000 या 50,000 से ऊपर पदों पर ही अगली वैकेंसी होगी, इसके पूरे पूरे चांस है। तो अगर आप इस समय से, यानी ये जो आपका समय है इसको अगर आप खराब नहीं करते, इस समय से तैयारी में लग जाते। एक और बता देता हूं, ये जो बुक है एसएससी जीडी की ओल्ड पेपर की बुक है, हमारी द्वारा बनाई गई हस्तलिखित बुक है, ये बुक आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। एसएससी जीडी ओल्ड पेपर बुक विरार से करोगे तो ये बुक मिल जाएगी। ये बुक आपका बहुत सहयोग करेगी ये जानने में कि जो एसएससी का पेपर है वो कैसा आता है, क्योंकि इसमें ओल्ड पेपर दिए हुए हैं 40, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, जो 40 ओल्ड पेपर है ना उससे पूरा का पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे पेपर दिए गए हैं, समझ गए बात को। तो लाड लो ये बुक ले लेना, अभी से तैयारी शुरू कर दो, कोचिंग शुरू कर दो जिनको एसएससी जीडी टारगेट करनी है। ध्यान रखना एसएससी जीडी के लिए कम से कम आपकी 6 से 7 महीना या 8 महीना तैयारी चाहिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाने लगी है। इसलिए आप अभी से अगर तैयारी करते हो, मैं आपको बताऊं एसएससी जीडी का जब पिछले का पेपर हुआ ना उसी समय से हमने अकेडमी में एसएससी जीडी का 2000 जो ई वैकेंसी 25 वाली इसका बैच शुरू कर दिया था। और अभी भी आपको मैं बता दूं कम से कम एसएससी जीडी 2025 वाले बैच में हमारे पास में 200 बच्चे हैं जो 25 वाली की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तभी नंबर अपना पक्का कर पाओगे। वैकेंसी 100% क्लियर है कि आएगी आएगी, कोई संदेह कुछ शक कुछ नहीं है, 100% वैकेंसी है, ठीक है ना। तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, तैयारी में जान लगा दीजिए अपनी और शुरू हो जाइए भाई, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।